वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिया में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि जितने भी छात्र छात्राएं 2022 में इंटर पास आउट हुए हैं उनको नेशनल स्कॉलरशिप के तहत 36,000 रुपया दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्कॉलरशिप का कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग किस तरह से चेक करेंगे कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है? नाम होगा तभी आप लोग को 36,000 रुपया का लाभ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अन्यथा नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग किस तरह से चेक करेंगे कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है? ओके फ्रेंड्स, अगर है तो किस तरह से आवेदन करेंगे, किस वेबसाइट से आवेदन करेंगे जो आपको 36,000 रुपया का लाभ मिलेगा? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए लेके चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बता देते हैं किस तरह से चेक करेंगे उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आपको अपना गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ BSEB, इस तरह से टाइप करके सर्च करना। ओके फ्रेंड्स, जैसे इंटर करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ मिलेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, यानी कि डाल दिया हूँ। डायरेक्टली वहां से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर इन कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, एक सर्कुलेशन का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, डेट दिया गया 25/6/2022। ओके, जो कि 25/6/2022 को ही ये नोटिस जारी किया गया था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे NSP कट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ईयर 2022। ओके, तो जो स्टूडेंट 2022 में इंटर पास आउट हुए हैं उसके लिए यह है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको NSP कट ऑफ लिस्ट में नाम किस तरह से चेक करना है, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए मैं इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने PDF ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। तो जैसे ही PDF ओपन होगा आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 500 CSS फॉर स्कॉलरशिप 2022। ओके, यहाँ पे देखें कैटेगरी दिया गया है जनरल OBC ST SC ST। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए कॉलम बनाया गया और यहाँ पे फीमेल के लिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल का जो कॉलम यहाँ पे बनाया गया है साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे फीमेल के लिए जो बनाया गया है यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ओके, तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे जनरल में देख सकते हैं ये साइंस है। ओके, ये साइंस सब्जेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोग को क्लियर करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साइंस का है ये। ओके, साइंस में देख सकते हैं जनरल स्टूडेंट को अगर 375 नंबर आता है तो इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि 36,000 रुपया उनको मिलेगा नेशनल स्कॉलरशिप के तहत। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे जनरल में जो स्टूडेंट है अगर आर्ट में उनको 372 नंबर आता है तो भी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स में 378 नंबर जनरल स्टूडेंट को आता है तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके अगर नीचे आता है जैसे कि 377 आ जाएगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा उस। उसी तरह यहाँ पे OBC में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे OBC है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस OBC में अगर साइंस में जो स्टूडेंट है यहाँ पे 378 नंबर आता है तो उनका इस योजना का लाभ उनको 36,000 रुपया मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, उससे कम रहेगा 77 रहेगा, 377 तो नहीं मिलेगा, 78 है उससे ऊपर है तो मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आर्ट में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 386 नंबर है OBC स्टूडेंट को आर्ट में तो इस योजना का लाभ मिलेगा, कॉमर्स में 378 नंबर है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। उसी तरह SC में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 378 नंबर है तो इस योजना का लाभ मिलेगा। देख सकते इसी तरह, उसी तरह फीमेल में यहाँ पे देखते हैं, फीमेल यहाँ पे है और यहाँ पे मेल था। ओके, तो यहाँ पे चले फीमेल में देख लेते हैं, साइंस में यहाँ पे जनरल में देख सकते हैं 375 और OBC में 376 और उसी तरह यहाँ पे SC में 369 और उसी तरह ST में 370 और यहाँ पे आर्ट में 300 जनरल को 372 और OBC को यहाँ पे 376 और ST में 370 और ST में यहाँ पे 372। उसी तरह कॉमर्स में जनरल को देखते हैं 376 आएगा तो मिलेगा और यहाँ पे OBC में 376 और ST में 369 और यहाँ पे ST में 359। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चले आप लोग को बताते हैं, नीचे आते हैं और दिखा देते हैं आप लोग किस तरह से चेक करें कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। ओके, तो चलिए नीचे आएंगे,
स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देखेंगे पेज यहाँ पे दिखाया गया, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको ऊपर में यहाँ पे दिखाया गया 1239 पेज है टोटल। ओके, इसी पेज में सभी स्टूडेंट का नाम है जिस स्टूडेंट को इस योजना का लाभ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग किस तरह से चेक करेंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है? अगर नाम से चेक करते हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट एक ही नाम से होता है। आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड बटन से कंट्रोल एफ प्रेस करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है अपना, जिस तरह से मैं यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रोल कोड और हाइफन देके रोल नंबर डाल दिया, इसी तरह आपको टाइप करना है और इंटर करना है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर में हाइड हो गया, यहाँ पे देखें प्रिंस कुमार देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है क्योंकि इस योजना का लाभ मिलेगा इस स्टूडेंट को, इसीलिए इसका इस लिस्ट में नाम है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आप लोग को बता देते हैं कि अगर इस लिस्ट में नाम है आपका तो किस तरह से आवेदन करेंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप लेने के लिए, नेशनल स्कॉलरशिप लेने के लिए, यानी कि 36,000 रुपया लेने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको टाइप करना ब्राउजर में NSP, इस तरह से टाइप करना और सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे NSP यहाँ पे लिखा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे फ्रेंड्स नेशनल स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाएगा। बताना चाहूंगा फ्रेंड्स इसी वेबसाइट से आपका जो है सो फॉर्म अप्लाई होगा, अभी नहीं हो रहा, अभी कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है कि आप लोग का लिस्ट में नाम आ चुका है, आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं जो भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिस्ट में नाम देख सकते हैं, अगर इस लिस्ट में नाम है तो यहाँ से आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप के वेबसाइट से आप लोग आवेदन करेंगे। आवेदन किस तरह से करेंगे जब आवेदन होगा तब मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे देखें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सिंपली से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है जब आवेदन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपको पेज ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो अभी जो है सो यहाँ पे प्री मैट्रिक और यहाँ पे जो है सो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो होता है उसका आवेदन हो रहा है, तो आप लोग का अभी नहीं हो रहा, जब आप लोग का होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि जो भी स्टूडेंट 2022 में इंटर पास हुए हैं और नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन का स्टार्ट हो चुका है मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो जितने भी छात्र हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड में शेयर कर दिए ताकि आपके फैमिली या दोस्त जो भी हैं अगर वो भी एग्जाम दिए हैं इंटर का 2022 में तो उनको भी पता चल सके कि जो नेशनल स्कॉलरशिप के तहत मुझे जो 36,000 रुपया दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए आगे के लिए, तो उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो किस तरह से चेक करेंगे उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। ओके, तो जल्दी जल्दी से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।